अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते हालात और डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को देखते हुए आज भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। खाड़ी में बिगड़ती स्थिति के बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 407 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 108 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स 7 अंकों की बढ़त लेकर 39,608 अंक पर खुला और जल्द ही ये दिन के उच्च स्तर 39,618 अंक तक पहुँच गया, लेकिन फिर अमेरिका ईरान के बीच विवाद और गहरा होने की आशंका से शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई और जल्द ही सेंसेक्स लाल निशान पर पहुंच गया। अंतिम सत्र में सेंसेक्स 39,121 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया और बाद में कल के मुकाबले 407 अंक की गिरावट के साथ 39,194 अंक पर बंद हुआ। येस बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 4.36% की गिरावट रही, जबकि SBI के शेयर 1.28% की मजबूती के साथ बंद हुए। BSE में पावर और बेसिक मटेरियल्स को छोड़कर सभी समूह गिरावट में रहे। ऑटो समूह में सबसे ज्यादा 1.32% की गिरावट देखी गई। NSE का निफ्टी 4 अंकों की गिरावट के साथ 11,828 अंक पर खुला। सत्र के दौरान ये 11,828 अंक के दिन के उच्च और 11,705 अंक के निचले स्तर तक फिसला और आखिर में ये कल की तुलना में 108 अंक गिरकर 11,724 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल कंपनियों में से 10 हरे निशान और 39 लाल निशान में रही, जबकि एक में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो ब्रिटेन का FTSE 0.02%, जर्मनी का डेक्स 0.23% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.50% की बढ़त बनाने में सफल रहा, जबकि जापान का निक्की 0.95%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.27% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.27% गिर गया। DB लाइव की रिपोर्ट।